स्वराज ट्रैक्टर देश का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर जो कि 100% स्वदेशी था वो भारत में ही डिजाइन किया गया। ऐसा कोई भी किसान नहीं होगा जिसने कभी ना कभी स्वराज ट्रैक्टर को ना चलाया हो। हे नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वराज ट्रैक्टर के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में। यह एक बेहतरीन ट्रैक्टर था जिसे भारतीय किसानों ने खूब पसंद किया। एक ऐसा दौर था जब भारत में कोई भी ट्रैक्टर नहीं बनाता था और भारतीय किसान दूसरे देश से ट्रैक्टर को इंपोर्ट करते थे जिससे किसानों को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते थे। उससे पहले अधिकांश किसान बैलों से अपने खेतों की जुताई करते थे जिससे समय और मेहनत दोनों ही ज़्यादा लगते थे और प्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं कर पाते थे। तब भारत सरकार ने किसानों के लिए एक सस्ता और टिकाऊ ट्रैक्टर बनाने की सोची, क्योंकि उससे पहले ट्रैक्टर को इम्पोर्ट किया जाता था और ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी और सभी किसान इम्पोर्टेड ट्रैक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तब इंडियन गवर्नमेंट ने एक सस्ता टिकाऊ ट्रैक्टर बनाने का भार सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMERI कोलकाता को दिया। असली परीक्षा तभी हुई। 1965 में ट्रैक्टर बनाने का काम शुरू तो किया गया। टीम के हेड श्री चंद्र मोहन जी थे जिनकी टीम में 6 युवा इंजीनियर थे और जिनको काम करने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि एक फ्रेशर ग्रेजुएट के सिवा और कुछ भी नहीं थे। तब चंद्र मोहन जी और उसकी टीम ने रिसर्च करना शुरू किया। ट्रैक्टर की वर्किंग के लिए ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 ट्रैक्टरों को खरीदा गया और उन पर रिसर्च कर देखा गया कि आखिर ट्रैक्टर काम कैसे करता है। कृषि अनुसंधान से जानकारी ली गई और देश के कई हिस्सों के किसानों से भी जानकारी प्राप्त की गई और 1967 में आखिरकार वो दिन आ ही गया जब स्वराज का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया गया। और जब इस प्रोटोटाइप को परीक्षण के लिए भेजा गया तो ये प्रोटोटाइप विफल हो गया, लेकिन स्वराज टीम ने हार नहीं मानी। कहते हैं ना, भारतीय जब किसी काम को करने की जिद कर लेते हैं तो वे उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, इसीलिए भारतीय को जिद्दी भी कहा जाता है। और प्रोटोटाइप के डिजाइन में सुधार किया गया और 1968 में ठीक 1 साल बाद दूसरे प्रोटोटाइप को विकसित किया गया जो कि पूर्ण रूप से सफल रहा। इसके बाद 3 प्रोटोटाइप को और बनाया गया और इन्हें देश के अलग अलग कृषि अनुसंधान केंद्र में परीक्षण के लिए भेजा गया और वहां ट्रैक्टर को पूरी तरीके से परखा गया और लगभग 2 साल के अंदर 1500 से ज़्यादा घंटे तक ट्रैक्टरों का परीक्षण किया गया और उन्हें खेती के काम में यूज किया गया। अब बस देर थी तो इसे इसकी पहचान की, मतलब प्रोटोटाइप को उसका नाम देने की, जिससे इसकी मजबूती और स्वदेशी दोनों का अभ्यास हो, जो उच्चारण में भी आसान हो। तो ट्रैक्टर को नाम दिया गया स्वराज, जो कि महात्मा गांधी जी के आइडिया से इंस्पायर था, जिसका मतलब था इकोनॉमिक फ्रीडम टू रिड्यूस इम्पोर्ट एक्सपेंसेस। तब स्वराज को NIDC से अप्रूव होना था और लॉन्च के लिए NIDC ने स्वराज के बजाय HMT को चुना, जो कि जीटर की सहायता से बना था। तभी स्वराज के लिए पंजाब गवर्नमेंट की ओर से बुलावा आया और पंजाब गवर्नमेंट ने CMERI को फंड देने शुरू किए और कहा कि वो अपनी जांच को आगे बढ़ाए। और स्वराज का पहला प्लांट मोहाली में 1971 में लगा और 1974 में इसे लॉन्च किया गया और स्वराज PTL ने बनाना शुरू किया, जिसका मतलब था पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी थी जिसका लक्ष्य था 5000 ट्रैक्टर हर साल प्रोड्यूस करना। इसके बाद तो मानो स्वराज ने सभी ट्रैक्टर कंपनी को हिलासा दिया। आज स्वराज भारत की दूसरे नंबर की ट्रैक्टर कंपनी है। जब पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने सरकारी कंपनी से डिस इन्वेस्टमेंट शुरू करना किया तो स्वराज ट्रैक्टर को 2007 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी ने टेक ओवर कर लिया और स्वराज ट्रैक्टर शान से आज भी खेतों का राजा है। तभी तो कहते हैं जोश का राजा मेरा स्वराज। किसान इस ट्रैक्टर पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। स्वराज 15 HP से लेकर 65 HP तक ट्रैक्टर बनाता है जिसकी कीमत 2.5 लाख से 9 लाख तक जाती है। कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनके पास स्वराज ट्रैक्टर के पुराने मॉडल आज भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि किसान के लिए ट्रैक्टर एक शान की बात होती है और किसान ट्रैक्टर को अपनी फैमिली मेंबर की तरह रखता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, HMT और स्वराज ये दोनों लगभग एक ही समय में लॉन्च हुए थे। स्वराज आज भी अपने अस्तित्व में जिंदा है, लेकिन HMT का तो आप हाल जानते ही हैं, दोनों ही सरकारी कंपनियां थी। HMT बंद हो गई और स्वराज आज भी अपनी सेवाएं किसानों को दे रही है। बस फर्क इतना है, पहले ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी
लेकिन अभी एक प्राइवेट कंपनी है जिसे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बैनर तले बनाया जाता है। नाम भले ही स्वराज हो लेकिन आज इसे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी हैंडल करती है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो में। और यदि आपके पास भी स्वराज ट्रैक्टर था तो आप अपने कमेंट करके हमें बताएं, हमें अच्छा लगेगा। सो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।